हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आप सभी का सपोर्ट ही हमें बहुत मोटिवेट करता है, इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहेगा, ढेर सारा प्यार देते रहेगा। अभी का सीन कुछ ऐसा है, अभी बस सुबह का 7:30, देख सकते हैं आप धूप निकला हुआ है और यहाँ देखिए पहाड़ का एकदम मस्त सीन आ रहा है। और अभी मैं और पापा जा रहे हैं लकड़ी काटने के लिए, क्योंकि अक्सर पहाड़ी एरिया पे आग जलाने के लिए तो लकड़ी वकड़ी ढूंढने जाते हैं। तो आपको कैसे लकड़ी काटते हैं पहाड़ी एरिया में और किस तरह इस जंगल होता है, आपको मैं जरूर टूर दूंगा। और देख सकते हैं आज मेरे साथ है ये कुछ लकड़ी काटने का सामग्री, और ये इसको कहते हैं डोको, जिसमें लकड़ी वकड़ी घास हास हो गया उसको पहाड़ी एरिया में नीचे से ऊपर ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये केवल बम्बू से बुन बुन के बनाए जाते हैं, जो कि एकदम बिल्कुल टेक्निक है। तो आप देख सकते हैं गाइस, बहुत ही खतरनाक जगह पे जा रहे हैं हम लोग। कुछ इस तरह का सीन है, देख सकते हैं पूरा यहाँ से जंगल शुरू होता है। और हम लोगों का तो यही लाइफ स्टाइल है, हम लोग इसी तरह से लकड़ी वकड़ी लेना होता है तो इसी तरह जंगल में जाते हैं। और क्योंकि पहाड़ी एरिया पर लकड़ी का बहुत ज़रूरी है और आग जलाना भी ज़रूरी है, यहाँ ठंड होता है तो गैस में तो हम आग नहीं ताप सकते, उसमें खाना वाना बन जाते हैं। लेकिन आग तापने के लिए और कुछ और ज़्यादा काम करने के लिए, जैसे पानी गर्म करने के लिए, तो उसके लिए हम लकड़ियों का यूज़ करते हैं। देख सकते हैं आप चारों तरफ कितना जंगल है। और आगे जा रहे हैं मेरे पापा, उनको रास्ता पता है, यहाँ से कुछ इस तरह से है। A few moments later, यहाँ ऊपर एकदम हाई है, ये यहाँ से नीचे भी एकदम हाई, देख सकते हैं यहाँ से गिर जाएंगे सीधा नीचे नदी पे पहुँचेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं इतना दूर भी लोग घास काटने के लिए और लकड़ी लेने के लिए आते हैं। तो यहाँ रास्ता ठीक है, साफ आपको देख रहा होगा, साफ सफाई रास्ता काफ़ी ठीक है। आगे जाते हैं, ये स्पेशली इसको कहते हैं कुकुरी। ये पहाड़ी एरिया पे आपको मिल जाएगा कहीं भी, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है, देख सकते हैं गाइस। इसको कहते हैं कुकुरी, जो कि लकड़ी काटने में और भी अन्य काम में बहुत काम आता है ये। आपको बता दूं कि जब जो गोरखा रेजिमेंट होता है आर्मी, इंडियन आर्मी, उनके पास भी ये स्पेशली उनके पास होता है ये। और अब मेरे पास और है लकड़ी काटने के लिए, ये इसको कहते हैं आरी, ये तो आप जानते होंगे, ये भी काम आएगा। और लकड़ी काट लिया है और हो चुका है, अब इसको डोको पे लगाएंगे और ले जाएंगे। यहाँ से देख सकते हैं कितना ऊपर है और यहाँ से नीचे आप देख सकते हैं पूरा खाई है, यहाँ से देखिए रेडी हो चुका है और डोको वहाँ है।